हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं अपने IQ G9 डिवाइस के अंदर, लाइट डिवाइस के अंदर कैसे आप फिंगरप्रिंट लॉक को रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं अपने डिवाइस IQ G9 डिवाइस में से। तो कैसे इसका मैं बताने वाला था। जैसे कि हमने कोई भी हमने फिंगरप्रिंट लगा रखा है, जैसे हमारे डिवाइस में कोई फिंगरप्रिंट लॉक लगाया था, सिंपली हम टैप करते तो खुल जाता है, तो उसको हमें हटाना है। तो देखिए इस तरीके से हम टैप करेंगे तो खुल जाएगा, उसको हमें हटाना है। तो कैसे इस फिंगरप्रिंट लॉक को हम हटा सकते हैं अपने IQ G9 डिवाइस के अंदर से। तो सिंपली इसे आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आते आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको सिंपली सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो सिंपली हम सिक्योरिटी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली गाइस नीचे आना है। नीचे आते गाइस यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो गाइस हम फिंगरप्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिंगरप्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपना पैटर्न डालेंगे। पैटर्न डालने के बाद इस तरीके से आपका ओपन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको अनलॉक का ऑप्शन शो होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली जब फिंगरप्रिंट लॉक है वो हट जाएगा, मतलब हटेगा नहीं, गाइस सिंपली ऑफ हो जाएगा, मतलब सेटिंग से ऑफ हो जाएगा। और अगर आप इसको ऑन करोगे तो वैसे ही दोबारा अनलॉक हो जाएगा, मतलब दोबारा आपकी सेटिंग्स में लॉक आने लग जाएगा। अगर गाइस आपको इसे डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हो। सिंपली डिलीट पर क्लिक करना है यहाँ पर, यस रिमूव पर क्लिक करना है। तो सिंपली आपको जो फिंगरप्रिंट है लॉक था वो हट जाएगा, इसलिए आपका फिंगरप्रिंट लॉक हट चुका है। तो इस तरीके से आप अपने IQ G9 डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक को हटा सकते हैं एंड लगा सकते हैं अपने IQ G9 डिवाइस के अंदर से। तो कैसे आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना ना भूलें।